हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहां पे इंडस टावर का बाय बैक अप्लाइंग का डेट इसका क्या आज के निकल के आ चुका, अभी कुछ 9 या 10 के आसपास ही इसका डेट आया हुआ है। एंड इंडस टावर का आई थिंक जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था ये चीज़ें, बट फिर भी आपको आपस में रिपीट करके दिखा देती हूँ कि बाय बैक प्राइस कंपनी ने कितना रखा था। 465 पर शेयर का रखा हुआ है बाय बैक प्राइस का। लगभग कितने साइज देखा जाए तो कितना 2640 के आसपास कंपनी कितने अमाउंट का क्या रखा है इश्यू साइज अमाउंट। इश्यू साइज शेयर किसने हैं यहाँ पे दिए गए हैं ऑलरेडी, यहाँ पे मैं क्या मेंशन किया गया है अगर आप देखेंगे तो 56,07,74,193 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे क्या इतने शेयर्स बायबैक के एक्सेप्ट कर रही है। सो ये एक्चुअली इसके इसके डिटेल्स दिए गए थे। एंड डेट इसका जो लास्ट था August 9 का था। सो आई थिंक आपका डेट अभी जा भी चुका है, अभी तो कितना तारीख है आज, तो अगर आप देखेंगे इस और उनको 15 तारीख भी इसका है, तो डेट ऑलरेडी जा चुका है, सॉरी 14 तारीख है आप अगर देखोगे तो। सो अगस्त का जो लास्ट डेट था वो तो जा चुका है ऑलरेडी, बट यहाँ पे कंपनी ने एक और चीज़ बोली हुई है कि लास्ट डेट फॉर द रिसीव फॉर टेंडर ऑफर August 21 रहेगा। मीन्स जो इसका ऑफर है August 21 को चालू होने वाला बाय बैक अप्लाइंग करने के लिए, एंड इसका बायबैक जो एक्सेप्टेंस इसका रहेगा ना, वो कभी आपको मालूम पड़ा कि आपका बायबैक जो एक्सेप्ट किया गया है 27 अगस्त को। लास्ट डेट ऑफ फॉर द सेटलमेंट ऑफ बिड August 28 को आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो बायबैक है वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ है। अगर हुआ रहेगा तो आपको मेल या फिर मैसेज आपको आ जाता है आपके जो भी डीमेट अकाउंट से जो लिंक रहेगा कॉन्टैक्ट नंबर उस पर, या फिर मेल आईडी जो लिंक रहेगी उस पर आपको आ जाएगा। लास्ट डेट फॉर एक्सिक्यूजमेंट ऑफ शेयर्स, जिनके बायबैक नहीं लगेंगे इसमें उनके शेयर डायरेक्ट उनके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे September 6 को। सो ये एक्चुअली इसका क्या टाइम टेबल आ चुका है एंड ये इसके क्या डिटेल्स है, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, अदरवाइज आई थिंक सबको डेट तो याद ही रहेगा। बाकी इंडस टावर का जो शेयर है फिलहाल डाउनवर्ड भी चल रहा है, 405 के आसपास आ गया। सो बहुत से लोगों के ये रहेगा कि अभी शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया, अगर हमारे कुछ शेयर अगर एक्सेप्ट नहीं होते बायबैक के लिए तो हम क्या कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी मैंने पहले की वीडियो में मेंशन किया था कि अगर एक्सेप्ट नहीं भी होता है सो हो सके तो इंडस टावर का शेयर हो सके तो आप होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, फिर शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक अच्छा खासा फॉर द इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। अगर बायबैक नहीं भी लगता तो शेयर को आप होल्ड कीजिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, सो ये थे इंडस टावर के बायबैक के अपडेट। सो आई थिंक आपको जो डाउट क्लियर हो गए हैं, सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।